इंडियन गवर्नमेंट ने 2024-25 तक $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट सेट किया है और इंडिया के जो 2022-23 में टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे उनकी वैल्यू थी अराउंड $1.5 बिलियन, करीब 16,000 करोड़ रुपीज़। गवर्नमेंट ने वैसे तो ये टारगेट काफ़ी बड़ा सेट किया है, बट देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के कुछ डिफेंस प्रोडक्ट्स में कई कंट्रीज़ अपना काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही हैं, और जैसे कि इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल, इंडिया का फाइटर जेट LCA तेजस और हेलीकॉप्टर्स जैसे कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। और इंडिया भी पिछले कई सालों से अपने मेनली इन तीनों प्रोडक्ट्स को सेल करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, और 2022 में इंडिया ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली डील फाइनलाइज की थी फिलीपींस के साथ, और उसकी वैल्यू थी अराउंड $375 मिलियन। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल के अराउंड $3 बिलियन के एक्सपोर्ट की उम्मीद है 2026 तक। सो $5 बिलियन का टारगेट उस हिसाब से काफ़ी बड़ा भी नहीं है, और ये पूरा हो भी जाएगा। बट जो इसमें मेन चीज़ है वो है कि इंडिया के तेजस को अभी भी अपनी पहली डील के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, और किसी भी कंट्री के लिए फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फ़ाइटर जेट किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है सिक्योरिटी के पर्पज़ से। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के तेजस की इंटरनेशनल मार्केट में कोई डिमांड या उसमें कोई कंट्री इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। पिछले कुछ सालों में कुछ कंट्रीज़ एस्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ तेजस में अपना काफ़ी इंटरेस्ट जाहिर कर चुकी हैं, और मलेशिया के साथ जो इंडिया की बातचीत चल रही थी तेजस को लेकर, वो इंडिया का सबसे सीरियस एफर्ट था तेजस को सेल करने के लिए। और मलेशिया ने जब फाइटर जेट्स को एक्वायर करने के लिए टेंडर निकाला था तो उसमें कुछ कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था जैसे कि इटली, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया और इंडिया। बट फाइनल में इंडिया और साउथ कोरिया के जो फाइटर जेट थे, इंडिया का तेजस और साउथ कोरिया का F/A-50 एयरक्राफ्ट, उन दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया, और फाइनल राउंड में मलेशिया ने साउथ कोरिया के F/A-50 को चूज़ किया। सो वो डील इंडिया के हाथ से वो चली गई थी। और इसके बाद अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो 2015 में अर्जेंटीना ने अपने 18 मिराज फाइटर जेट्स को रिटायर्ड किया था, और उस गैप को फिल करने के लिए अर्जेंटीना अभी भी फाइटर जेट्स की तलाश में है। और अर्जेंटीना के लिए जो तीन टॉप कंटेंडर्स हैं वो है यूएसए का F-16, इंडिया का तेजस और चाइना पाकिस्तान का JF-17। और जुलाई में भी अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर ने HAL की फैसिलिटी में विज़िट किया था, और वहाँ पर उन्होंने इंडिया के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में अपना काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था, और लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया था उसकी एक्वायरिंग को लेकर। और इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने तेजस में भी अपना काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, बट उन्होंने उसमें ब्रिटिश कंपोनेंट्स जो तेजस में कुछ यूज़ हुए हैं उनको पॉइंट आउट किया था, क्योंकि ब्रिटेन ने अर्जेंटीना के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, सो इंडिया उनको तेजस सेल नहीं कर सकता। बट इंडिया ने उनको ऑप्शन दी थी कि वो ब्रिटिश कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर देगा या चेंज कर देगा, बट इसके बावजूद भी, फुल डिप्लोमेटिक फोर्स लगाने के बावजूद भी, अभी अर्जेंटीना ने US के F-16 फाइटर जेट को फाइनलाइज़ नहीं किया है, उसने US के साथ थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र की डीड साइन की है। एक्चुअली जो F-16 अर्जेंटीना एक्वायर करना चाह रहा है वो डेनमार्क के पास हैं सेकेंड हैंड F-16s, बट वो डेनमार्क ने क्योंकि USA से एक्वायर किए हैं, सो अर्जेंटीना ने USA के साथ
थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र की डील साइन की है। वैसे डील फाइनलाइज नहीं हुई है, बट 90% चांसेस हैं कि ऑलमोस्ट वो डील अर्जेंटीना F-16s को ही एक्वायर करेगा। और इसके अलावा फिलीपींस भी अपने लिए फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की एक्वायरिंग के प्रोसेस में है, और उसमें भी इंडिया अपनी फुल डिप्लोमेटिक फोर्स लगा रहा है। बट ऐसा कहा जा रहा है कि फिलीपींस इंडिया के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव उसमें अपना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है रादर देन LCA तेजस में। और अभी रिसेंटली नाइजीरिया ने भी इंडिया के तेजस और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और इसके अलावा नाइजीरियन गवर्नमेंट ने $1 बिलियन के बजट की अप्रूवल दी है ताकि नाइजीरिया मिलिट्री प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो सके, और उसके लिए उन्होंने इंडिया से मदद मांगी है। सो कई कंट्रीज़ इसमें अपना इंटरेस्ट तो दिखा चुकी हैं, बट डील अभी भी कोई फाइनल नहीं हुई है, और इंडिया को अभी भी अपनी पहली डील के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। सो ये तो था एक इशू डील फाइनलाइजेशन का। जो दूसरा इशू है वो है ऑर्डर्स और HAL की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका। HAL के पास अभी 83 यूनिट्स का ऑर्डर पेंडिंग है इंडियन एयरफोर्स का। इसके अलावा 97 यूनिट्स वो भी अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास एयरफोर्स सबमिट कर चुका है, और आने वाले टाइम में वो भी अप्रूव हो जाएंगी। सो 83 और 97 180 यूनिट्स आने वाले टाइम में फ्यूचर में HAL ने इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करनी है। और इंडियन HAL की जो करंट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है पर ईयर की, वो है अराउंड 16 एयरक्राफ्ट्स पर ईयर। और इसके अलावा अप्रैल में इस साल 2023 में HAL ने अपनी तीसरी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी प्रोडक्शन लाइन को उसको भी इनॉग्रेट किया था नासिक में। सो HAL के अकॉर्डिंग 2025 से जो टोटल कैपेसिटी होगी तेजस के प्रोडक्शन की वो 24 हो जाएगी। सो उस अकॉर्डिंग भी देखें अगर हम तो 24 एयरक्राफ्ट्स पर ईयर, तो आने वाले 2025 से लेकर 2030-32 तक 7-8 साल तक 180 यूनिट्स का ऑर्डर कंप्लीट होगा। सो HAL के पास एक्सपोर्ट्स के लिए तो कोई उस दौरान कोई टाइम ही नहीं बचेगा। और इसके अलावा जो 83 यूनिट्स का ऑर्डर है 2028 में वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद HAL तेजस के MK2 वेरिएंट की प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देगा। सो 2032 तक तो अराउंड HAL की तीनों प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ की जो वो तीनों बिजी रहने वाली हैं। सो एक्सपोर्ट्स के लिए वो टाइम HAL के पास फ़िलहाल नहीं है। सो तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया के सामने दो चैलेंजेस हैं। एक तो है डील फाइनलाइजेशन का, क्योंकि वर्ल्ड में फाइटर जेट्स के ऑलरेडी काफ़ी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, काफ़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, जैसे कि USA, रशिया, फ्रांस, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज़। और इंडिया का जो तेजस है उसको सिर्फ अभी इंडियन एयरफोर्स ही यूज़ कर रही है, वो किसी और कंट्री ने अभी तक टेस्ट नहीं किया। सो इंडिया के लिए तेजस की डील को फाइनल करना काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। और जो दूसरा इशू है, अगर इंडिया फ्यूचर में किसी कंट्री के साथ तेजस की डील को फाइनल करता भी है, तो इसके बाद जो दूसरा इशू है वो है प्रोडक्शन का, क्योंकि ऑलरेडी अभी HAL की जो प्रोडक्शन लाइन है वो अगले 7-8 साल तक बिजी रहने वाली है। सो उसके लिए HAL को अभी और इनोवेटिव होना पड़ेगा, और अपनी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और इनक्रीज़ करना पड़ेगा। We'll be right back.